चन्न दी कुड़ी बदलां दी पैण सारे तेनू बिजली बिजली कैण जिदे उत्ते किरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रहण सिंड्रेला। वेलकम टू न्यूज चेंजेस हार्डी, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे लाके, बिकॉज यार आपका गाना या तो पार्टियों में बज रहा है या तो सोशल मीडिया में बज रहा है, हर जगह आप ही का गाना बज रहा है भाई। I'm grateful that it is happening. मेरे को अच्छा लग रहा है। आपके फैंस तो जानते ही हैं कि आप इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं आप बहुत साल। मैंने टोटल क्रिकेट खेला है 9.5 years. मैं अंडर 19 खेल रहा था इंडियन टीम में, तो इंडियन टीम में रायडू कैप्टन थे, शिखर वाज माय रूममेट, शिखर इज स्टिल अ फ्रेंड, अभी दो दिन पहले बात हुई है। देन रोहित शर्मा, पीयूष चावला, रॉबिन अथप्पा, चेतेश्वर पुजारा, एवरीवन। एंड यू आर अ मीडियम पेस और फास्ट फास्ट बॉलर। डोंट से मीडियम पेस, कभी खेल के देखना। सॉरी। मैं बहुत तेज बॉल फेंकता था, मैं बड़े हेलमेट तोड़े हैं यार। अरे बाप रे। I was 17 when I clocked 141. 141 and 141 मतलब भाई वो आप इमेजिन करो, हाईवे पे खड़े हो 141 की स्पीड से अगर कोई गाड़ी आपके बाजू से निकल जाए तो क्या फीलिंग आती होगी, उतनी जोर से बॉल अगर हेलमेट पे लगे तो इंसान का दिमाग घूम जाए यार। After that I played cricket for 9.5 years. But I got injured. Then I thought I should go to Australia and see अगर वहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर थे, and went on a student visa. आपने एक साल टैक्सी चलाई? 11 महीने टैक्सी चलाई। क्या बात कर रहे हो यार? जब कोई कस्टमर नहीं होता तो मैं गाता था बस। One day I was driving taxi Saturday night, busy night. ऐसे मैं करता मैं सोचा यार this is not for me, I'm not made for this. ये मैं नहीं कर पाऊँगा। I called one of my friend. We were 3 people in a conference call. मैं कहा यार मैं जा रहा हूँ वापस, फर्स्ट आई विल ट्राई प्लेइंग क्रिकेट अगेन, अगर दोबारा कुछ होता है आई विल सी समथिंग, अदरवाइज आई विल स्टार्ट सिंगिंग बिकॉज़ इट इज माय पैशन। अरे कैसे सिंगर बनेगा, एक ई टू ठाउ पंजाब में उसके नीचे सिंगर निकल आता है, कोई नहीं। दैट वाज द डिसीजन, केम बैक, स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, अगेन मेरे को एक फिजियो मिले, थोड़ा ठीक हुआ, स्टार्ट प्लेइंग अगेन, बट नहीं हुआ, देन समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक फॉर सम टाइम। एकदम नया करियर को चूज करना और उसको इस तरह से इस मुकाम तक लेके आना यार बहुत बड़ी बात है यार। क्या आप हिसाब अभी रख रहे हो कि कितने सेलिब्रिटीज ने, कितने एक्टर्स ने, इन्फ्लुएंस ने बिजली पे रील्स बना के रखी है? अभी कोई हिसाब नहीं है, देखी मैंने सारी है, हिसाब कोई नहीं, कभी कभी जाके चेक कर लेता हूँ रील्स पे, जब आपकी मेहनत आप करते हो देन पीपल लाइक इट, इट्स ऑलवेज अच्छा लगता है। तो अभी तक की आपकी फेवरेट रील किसकी रही है, कौन से सेलिब्रिटी की रील देखी है जो आपने अपने गाने पे जो आपको लग रहा है कि सबसे बेस्ट है अभी तक की? I liked Vicky Kaushal Paji's reel. It was very nice. बहुत अच्छी रील। मुझे आपके I think सारे गानों में जो नजर आती है वो ये है कि हार्डी संधू का जो एक वो एलिमेंट होता है, जब हम कोई गाना सुनते हैं लगता है यार ये गाना इनका ही गाना है पक्का, तो ये कौन सा एलिमेंट है या आप क्या ऐसी तैयारी करते हो गाने के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ऐसा कुछ करते हो? पता लग जाता है कि ये मेरी चीज है, ये मैं गा सकता हूँ, ये मैं गाऊंगा तो दैट इज माय ओन स्टाइल, आई डोंट नो, दैट इज अ गिफ्ट, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट, मेरे को नहीं पता कहाँ से आया। भगवान तभी कृपा करता है जब आप खुद बहुत मेहनत करते हो, तो आई एम वेरी श्योर के हार्डी भाई आपने भी बहुत मेहनत करी है, कि एक डेढ़ साल आपकी जिंदगी में कैसा रहा? पैंडेमिक में मैं घर रहा हूँ, बढ़िया से झाड़ू पोछे मारे हैं, बर्तन धोए हैं, रोटियां पकाई हैं, जिम्स भी बंद थे, मैं क्या करता था, मैं बाहर यहाँ रोड पे कोई देखता तो था नहीं, लोग तो दिखते नहीं थे पैंडमिक के टाइम, मैं रोड पे रनिंग करने निकल जाता था, इट वाज स्केरी टाइम्स, डर लगता था। लेकिन फॉर समवन लाइक यू जो कि इतना ट्रैवल करते हैं यार, मतलब इतने अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में परफॉर्म करना, उसको अगर घर पे बिठा दिया जाए तो उसकी मनोस्थिति कैसी होती है वो मैं जानना चाहता हूँ यार। मतलब एक टाइम पे तो हो गया था कि अब हो नहीं रहा, अब बस हो गई है। The person who manages me is my little brother Awad. So they all of my team they live in Delhi. वो उनका भी वहाँ घर पे उनका भी सेम ही हाल हो रहा था। So I got them shifted to चंडीगढ़। So वो चंडीगढ़ में आते थे। तो मैं उनके पास चला जाता था वो वाला टाइम। फिर वो थोड़ा सा ठीक हो गया था। And we worked also during the pandemic. पिछले pandemic में हमने तितलियाँ शूट करा था। लेकिन मेरे को पता है कि 100% sure हूँ कि आप रियाज भी बहुत करते हैं, तो व्हाट इज एन आइडियल डे ऑफ हार्डी संधू? आप सुबह जब उठते हैं तो आपका रूटीन क्या होता है? मोस्टली आई एम ट्रैवलिंग और डूइंग समथिंग, उसके बिना व्हेन आई एम होम अगर मेरा नॉर्मल डे होगा तो आई विल जस्ट वेक अप, आई विल हैव अ कॉफी, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा कोई ब्रेड ऑमलेट और समथिंग विद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एंड देन आई विल हिट द जिम। मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक जिम और एक मेरा गला, दोनों चीजें एक दिन में हो जाए माय डे इज कंप्लीट।
एंड रात को आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली क्योंकि मिलता नहीं है. आफ्टर दैट शाम को आई गो टू द स्टूडियो एवरी डे. गोइंग टू द स्टूडियो गाड़ी में आई विल टर्न ऑन द म्यूजिक एंड आई विल स्टार्ट माय रियाज. थोड़ा अगर आप गा दें हमारे लिए. या या आई विल सिंग बिजली बिजली फॉर प्लीज प्लीज. चन्न दी कुड़ी बदलां दी पैण सारे तेनू बिजली बिजली कैण जिदे उत्ते किरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रहण सिंड्रेला ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया तू दिल मेरा घुंगरू पा के नचाया आ जेड़ा काला कजल पाया लुधियाना सारे ही पिछे लाया लुधियाना सारे ही पिछे लाया तेरे तक के गोरिये नैन चन्न दी कुड़ी बदलां दी पैण सारे तेनू बिजली बिजली कैण. एक रैपिड फायर राउंड खेल लेता हूं इफ यू डोंट माइंड. व्हिच इज योर फेवरेट लाइक फेवरेट पंजाबी सिंगर ऑफ ऑल टाइम? ऑल द टाइम आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ. इफ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगर सिंगर देन सतगुरु से कर लो. फेवरेट बॉलीवुड सिंगर ऑफ ऑल टाइम? अरिजीत सिंह. सबसे मुश्किल गाना आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें, हैज देयर बीन अ सॉन्ग जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल था क्रैक करना? देयर वर टू सॉन्ग्स सबसे मुश्किल. इट वाज वन वाज क्या बात है, सेकंड वाज यार नहीं क्यों क्या बात है, इज वेरी लो. मतलब उतना स्टे करके उस पे हर चीज पे इट हैज गॉट बोथ द ऑक्टेव्स. नीचे से आप बिल्कुल ऊपर बीच में जाते हो. दैट वाज डिफिकल्ट. यार नहीं मिला वो डिफिकल्ट बिकॉज उसमें सांस नहीं है. हाँ, कोई ऐसा गाना इन रीसेंट टाइम्स जो कि आप विश करते कि आपको मिल गया होता या आपने गा लिया होता? तो रीसेंट टाइम्स में मेरे को लगता है कि प्रकीप ने बी प्रकीप ने गाना गाया है बारिश की जाए, मेरे को बहुत पसंद. आई वांटेड कि मैं बाद में सोचा मैं गा देता बट उन्होंने बहुत अच्छा गाया सर. बहुत कमाल का गाना है वो भी. ओके, फेवरेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम? टेटली. वन सिंगर या कंपोजर जिसके साथ आप चाहते हो कि आगे जाके आप कोलैबोरेट करें, काम करें, कौन है वो? विशाल शेखर एंड सचिन जिगर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे गाने देती रहिए हमको. उम्मीद करता हूँ कि जब भी अगला गाना रिलीज करेंगे तब भी हमारे साथ मुलाकात करेंगे. सो बाय. थैंक यू.